a layman's language, what exactly you can do in this machine is you can actually, using one blend, you can play with different five parameters and you can brew five different profiles of coffee. So if you can come closer to the graph, so what exactly is happening is the machine is actually telling you how much water is being dispensed on the coffee grounds. The red bar is actually the pressure which is brewed at. Hello and welcome back to my channel, दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सोहम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। और इस बार मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जहां पर आपको डिफरेंट टाइप के कॉफ़ी मशीन्स मिलने वाले हैं और इसमें काफ़ी तरीके के सॉल्यूशंस ये देने वाले हैं। तो आज इन्हीं से बात करने वाले हैं। अगर आपको इन प्रोडक्ट्स की नीड है तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सहला सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे अपना सर। हाय, माय नेम इज़ अनुराग एंड आई एम हेडिंग द मार्केटिंग हियर इन कॉफी सॉल्यूशंस। एंड एज यू सेड, आई मीन दिस इज़ द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर कॉफ़ी नीड्स। अगर आपको कॉफ़ी से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट्स, कॉफ़ी बीन्स, किसी भी चीज़ के कॉफ़ी से रिलेटेड कंसल्टेशन ट्रेनिंग चाहिए, वी आर द वन स्टॉप सॉल्यूशंस। आपको मशीन चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, कॉफ़ी का इनडेप्थ नॉलेज चाहिए, आपको इंडस्ट्री की नॉलेज चाहिए, सो यू कैन डेफिनेटली कम टू अस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड वी वुड बी हैप्पी टू सर्व यू गाइस। मतलब इसमें कंप्लीट सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड कर रहे हो। यहाँ पर ऑफिस कहाँ है, कहाँ से आप डील करते हैं? सो हमारा जो मेन ऑफिस, जो हेड ऑफिस है, दैट्स इन दिल्ली नारायणा, बट देन वी हैव आवर ब्रांच ऑफिसेज इन बैंगलोर, मुंबई एंड देन हैदराबाद। That's our main branch offices. And having said that, we have our main offices in Delhi, head office in Delhi. So mainly यहाँ पर काफ़ी सारे आप coffee machines showcase कर रहे हैं, कुछ machines के बारे में देख लेते हैं, manufacturing qualities के बारे में। So starting from, see, we cater to both B2B and B2C segment. B2B में हमारे mostly commercial coffee machines जाते हैं, जिसमें अगर आप स्पेशलिटी कैफ़े के, जैसे आज के टाइम अगर आप देखेंगे बहुत सारे आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है स्पेशलिटी कैफ़ेज़ का, सो दैट इज़ मेनली इन टू कॉफ़ी। मतलब जो स्पेशलाइजेशन होती है कॉफ़ी की, जहाँ पे आप कॉफ़ी बीन्स रोस्ट भी करते हैं, फिर यू नीड द राइट इक्विपमेंट्स टू सर्व द राइट कॉफ़ी, है ना। जैसे एस्प्रेसो हो गया, मतलब इन इंडिया एस्प्रेसो, हैविंग सेड दैट, आई मीन हम लोग अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे, बट स्टिल इट इज़ वेरी इमर्जिंग कैटेगरी और इवॉल्विंग कैटेगरी। सो काफ़ी फ्यूचर इसमें ब्राइट है, स्पेशली इन स्पेशलिटी कैफेज़। सो टू कैटर दैट, वी हैव वन स्टॉप सॉल्यूशन, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रोस्टरी मशीन्स टू ऑल दी गैजेट्स, इक्विपमेंट्स, पोर ओवर सेट्स, एस्प्रेसो मशीन्स, वी हैव एवरीथिंग अंडर वन रूफ। सो लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू टू आर ऑल आर कॉफ़ी मशीन्स। सो इफ़ यू सी, दिस इज़ वॉट वी कॉल रोस्टर, जहाँ पे आप कॉफ़ी रोस्ट करते हैं। सो आपको जो प्लांटेशन या जो भी ग्रोअर्स आप कॉफ़ी लेते हैं, दैट्स ग्रीन इन कॉफ़ी, दैट्स एब्सोल्युटली रॉ, ठीक है ना। उसके बाद जो होता है, उसके प्रोसेसिंग होती है, जहाँ पे हम रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग करने के बाद फिर कैफेज उसको सोर्स करते हैं, फिर उससे कॉफ़ी बना के सर्व करते हैं। आज के डेट में क्या हो रहा है कि बहुत सारे कैफेज हैं जो खुद ही अपना रोस्टिंग करते हैं, खुद ही रोस्टिंग करते हैं, वो कॉफ़ी बीन्स भी बेचते हैं, साइमल्टेनियसली कॉफ़ी भी अपने कैफ़े में सर्व करते हैं। सो वो दोनों तरीके से ही वो करते हैं। सो दैट्स कॉल्ड स्पेशलिटी कैफ़े का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ़ी भी आता है, नॉट ओनली लाइक मिल्क बेस्ड कॉफ़ी, बट आपके ब्लैक कॉफ़ीज, एस्प्रेसोज, अलग अलग नोट्स के कॉफ़ी, ये सर्व होते हैं, ठीक है। सो ये, सो दिस इज़ दी फर्स्ट स्टेप ऑफ गेटिंग इनटू स्पेशलिटी कैफ़े, कि आपको पहले कॉफ़ी रोस्टिंग मशीन चाहिए होती है, एक अच्छी कॉफ़ी रोस्टिंग मशीन, जो आपको जिसे आप ठीक से प्रोफाइलिंग कर पाए और रोस्टिंग कर पाए। इसके अलग अलग साइजेज आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो रोस्टर टू 500 ग्राम्स, जहाँ से आप धीरे 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 फिर आप 10 kg, 1 kg, 2 kg, 10 kg, 12 kg तक भी जा सकते हैं, कंसिडरिंग जो भी आपकी मतलब विजन होगा कि मेरे को इस इतने लॉट में कॉफ़ी प्रोड्यूस करना है या कॉफ़ी बीन्स करना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट मशीन। नाउ इफ़ यू सी दिस, दिस इज़ अनदर रोस्टिंग मशीन, उससे इसकी कैपेसिटी थोड़ी कम है, 500 ग्राम। सो दिस इज़ टू स्टार्ट विथ इन कमर्शियल सेगमेंट, आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप अपना स्पेशलिटी कॉफ़ी जो कैफ़े है, उससे आप सेटअप कर सकते हैं, जहाँ से आप रोस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ दी आपने देखा होगा इंडियाज हाईएस्ट स्कोरिंग कॉफ़ी, सो दैट्स आर पार्टनर ब्रांड्स, सो दे आर इन टू स्पेशलिटी कॉफ़ीज, ओके। ये लोग कॉफ़ी बीन्स खुद रोस्ट भी करते हैं और खुद क्या बोलते हैं, कॉफ़ी बना के बेचते भी, इनका खुद का कैफे भी है। सो दे आर वन ऑफ आर पार्टनर्स, तो इनको भी हमने काफ़ी असिस्ट किया है, काफ़ी कंसल्ट किया है टू गेट दी कॉफीज इन द मार्केट। तो ये जो मशीन्स है, ये आप ब्रांड का मैन्युफैक्चर कहाँ होता है? ये मोस्टली जो होता है हमारे इंपोर्टेंट मशीन्स होते हैं, मोस्टली दे आर फ्रॉम इटालियंस, फ्रॉम इटली, दे आर इटालियन ब्रांड्स, ऑल ऑफ देम, मोस्टली दे आर इटालियन ब्रांड्स। जितने भी आपके स्पेशली जो भी आपके स्पेसो मशीन्स होंगे या रोस्टिंग मशीन्स होंगे, सारे आपके इटालियंस होते हैं, तो ये सारे इंपोर्टेड मशीन्स हैं फ्रॉम इटली। सो ही इज़ क्लॉड, ही इज़ आर नेशनल बरिस्ता ट्रेनर एंड ही ऑल्सो हिमसेल्फ इज़ अ नेशनल बरिस्ता चैम्पियन, सो ही इज़ प्रो इन कॉफ़ी मेकिंग।
and he can tell you about all the coffees or machines, anything related to coffee. So he'll take you through about this Storm machine and how it is bringing the revolution in the coffee industry. Hello, sir. Hi. Myself, Johnson. Okay, let's go into the machine now. Okay, this is actually a pressure profiling machine. So we use this machine in specialty cafes. So what exactly this machine can do is you... The barista has got a lot of free hands on this machine. This machine was designed by 3 best baristas in the world. This machine is all about the science with coffee. So what you can do with this machine is you can play with different parameters like the temperature, the pressure, the rate of flow, the volume and the timelines. Everything can be controlled during the brewing process. This is one of the best part of the machine. There are a lot of other machines which can do this, but the only machine which can be done while brewing is the Strom. And let me brew some coffees for you. Also, take you through the live brewing session. Just a minute. So in a layman's language, what exactly you can do in this machine is you can actually, using one blend, you can play with different five parameters and you can brew 5 different profiles of coffee. So if you can come closer to the graph, so what exactly is happening is the machine is actually telling you how much water is being dispensed on the coffee grounds. The red bar is actually the pressure which is brewed at, and if it is so accurate that it shows you at what second how much ml of water is just flowing on your coffee. So this can be controlled with this FRC lever, which is called as a flow rate control, and you can always ensure that the coffee is coming out the right way you want to. And okay, there's always a question mark asked by many people saying that what happens if there's no good barista who's on this machine. Yes, a master barista can come profile your coffees and we can calibrate the same profile onto these cups, so the next barista just comes and touches the button and you get the same profile following. Okay, now let's go to the milk part. This is basically a profiling machine. It's not a fully automatic machine, it's a profiling machine. So you need a barista who can do this, and it's like more like a coffee geek who wants to use this, and specialty cafes always prefer these kind of machines. Okay. Now, talking about the steam, it's got a dry steam technology, and this dry steam is again designed by one of our latte art champions who wanted to do this on regular milk. And once you do this, the milk is actually even more fluffier and creamy, allowing you to make a good latte art on your coffee. So you can actually see the silky smooth milk. And who do you brew? That's what you want your coffee with. Yeah. So you guys enjoy the coffee and थैंक यू. ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये है ऑटोमेटिक मशीन, ठीक है, बट दिस इज कॉल्ड टू स्टेप मशीन. टू स्टेप मशीन वाई, क्योंकि इसमें एक तो आपका एडिशनल बीइंग ऑटोमेटिक कॉफ़ी मशीन, आपको एक स्टीमर ऑप्शन भी दिया जाता है. सो इन केस अगर आप लाते या कैपेचिनो अपने हाथों से भी बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं. सो व्हाट हैपेंस इन ऑटोमेटिक मशीन कि आपके जो भी कॉफ़ी होते हैं वो आपको डायरेक्टली मशीन से मिलते हैं, मतलब वो वन टच मशीन होता है. यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट द बटन एंड यू गेट योर कॉफ़ी. बट उसमें आप लाते आर्ट या कैपेचिनो आर्ट वो सब जो होता है वो आप नहीं कर पाते हैं, राइट. बट इस मशीन में क्या है कि इट्स अ टू स्टेप मशीन. यू कैन गेट दी एक्सट्रैक्ट दी योर एस्प्रेसो शॉट एंड देन इसके बाद आपके पास एक स्टीमर ऑप्शन है, ठीक है, जिसमें आप मिल्क का फ्रॉथ करके आप उसमें चाहे तो, अगर आप चाहे तो वो लाते आर्ट ये भी बना सकते हैं, राइट. सो दैट्स कॉल्ड टू स्टेप कॉफ़ी मशीन, ठीक है ना. सो ऑटोमेटिक है, अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं है तो आप इजीली आप इससे कैपेचिनो और वो भी निकाल सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू. सो ये आपका डुअल पर्पज सॉल्व करता है. अगर आप चाहते हैं कि आप कमर्शियल कॉफ़ी या कैपेचिनो लाते आर्ट बनाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल अगर आपको कन्वीनियंस चाहिए तो वो भी आपको इस मशीन से मिल सकता है. सो ये एक मशीन है हमारा ला चिम्बाली, एक और एक मशीन है एवरसिस वहाँ पे. तो ये दोनों चीज़ है, ये टू स्टेप कॉफ़ी मशीन हम बोलते हैं, ये उस चीज़ में कवर होता है. एंड इट्स द न्यू टेक्नोलॉजी इन द मार्केट इन द कॉफ़ी इंडस्ट्री, ठीक है ना. या तो आपको सेमी ऑटोमेटिक मिलेगा या तो ऑटोमेटिक मिलेगा, बीच का मिलना मुश्किल है जो कि दोनों ही चीज़ें सर्व करें. सो वी कॉल इट मे बी हाइब्रिड,
जिसमें आप ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही आप यूसेज में ला सकते हैं। तो अभी आपने जो मशीन देखी वो स्पेशलिटी कैफ़े के लिए, मतलब दैट्स वन ऑफ दी कॉफ़ी मशीन्स विच इज़ एक्चुअली ब्रिंगिंग द रेवोल्यूशन इन एंटायर स्पेशलिटी कैफ़े सेटअप, दैट इज़ वन। नाउ हैविंग सेड दैट, वी हैव अनदर लाइन ऑफ कॉफ़ी मशीन्स विच इज़ फ्रॉम एस्टोरिया ब्रांड ओनली, बट उसके काफ़ी सारे बहुत वाइड रेंजेस हैं जो कि ज़्यादातर इंडिया में ऑलमोस्ट लाइक 70% to 80% उसी का मार्केट शेयर है एस्टोरिया के। अंडर एस्टोरिया अगेन इट इज़ एन इटालियन ब्रांड, उसके अंडर फिर बहुत सारे सब ब्रांड्स आ जाते हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा उसका एक व्यू देता हूँ। जैसा आप देख रहे होंगे इस मशीन का लुक्स हॉलीवुड मशीन है, नाम ही हॉलीवुड है। आप लुक भी देखेंगे काफ़ी रेट्रो लुक में इन्होंने रखा होगा। सो दिस इज़ वेरी रेट्रो लुक मशीन, स्टाइलिश मशीन, कैफ़े में रखते हैं ना तो थोड़ा सा उसमें आपके कैफ़े में ओवरऑल जो एम्बियंस है उसमें भी काफ़ी इफेक्ट देता है। सो इफ यू कैन सी, इफ यू कैन जस्ट कैन टेक दिस, आई मीन दिस इज हॉलीवुड, एस्टोरिया इज द ब्रांड नेम, सब ब्रांड जो है वो जो रेंज का नाम है वो है हॉलीवुड। ये हमारे एस्टोरिया के बाकी रेंजेस है। ओके, दिस इज अगेन एस्टोरिया कोर, ये भी थोड़ा रेट्रो लुक, थोड़ा स्लीक लुक मशीन है, ठीक है ना। तो हमारे पास पूरा वैरायटी है आपके क्या बोलते हैं एस्टोरिया के, स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल सेगमेंट टू हायर सेगमेंट, मतलब स्मॉल प्राइस पॉइंट से लेकर हायर प्राइस पॉइंट के भी मशीन सारे अवेलेबल है। और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो चलता है मशीन एस्टोरिया का, जिसका मैं कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर है, वो है ये एस्टोरिया तानिया। ये और इसी का ही जैसे दो कलर वेरिएशंस में आ जाते हैं, रेड एंड ब्लैक। तो यहाँ पर काफ़ी कैटेगरीज है, अगर इस तरह के सॉल्यूशंस किसी को चाहिए तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके कॉफ़ी मशीन्स, राइट कॉफ़ी मशीन्स, राइट इक्विपमेंट्स, बरिस्ता ट्रेनिंग, हम लोग ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको कॉफ़ी बनाना है, सीखना है, लाते आर्ट सीखना है, कॉफ़ी की थोड़ी इनडेप नॉलेज चाहिए टू रन योर कैफ़े, तो हम वो पूरी ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो वो भी इट्स नॉट ओनली अबाउट वॉशिंग मशीन, एज आई सेड, मतलब ये आपको पूरा एक होलिस्टिक सोल्यूशन मिलता है यहाँ पे। और ये जैसे जो प्रोडक्ट्स है उसकी सर्विसेज वारंटीज आप ही लोग प्रोवाइड? हाँ, ये सर्विसेज इसका हमारी रहती है, स्पेशली इन एस्टोरिया हम लोग थोड़ा एक्सटेंडेड वारंटी देते हैं उसमें 18 मंथ्स का, सर्विस पार्ट भी हम ही लोग हैंडल करते हैं। सो और हम लोग पैन इंडिया डिलीवरी और पैन इंडिया हमारी सर्विसेज रहती है, सो यू विल नॉट फाइंड एनी इशू विद दिस सर्विस। दैट्स आर मेन पॉइंट और द मेन डिफरेंशिएटर फैक्टर कि हम लोग आफ्टर सेल्स में बहुत हम उस पर फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इस मशीन, जहाँ पे भी मशीन आता है तो आपके चैलेंजेस काफ़ी आते हैं, वेदर इट्स कॉफ़ी मशीन और एनी अदर मशीन, सो दैट इज़ वन ऑफ आर मेन फोकस। जैसे कॉफ़ी जो है इंडिया में अभी काफ़ी इमर्जिंग कैटेगरी है और ग्रो भी कर रहा है, सो नॉट ओनली इन कैफेज, कॉफ़ी हमारे ऑफिस सेटअप में, कॉफ़ी हमारे घर पे भी आजकल लोग ब्रू करने लगे हैं, ठीक है। नाउ टू केटर टू द ऑफिस सेगमेंट, गॉन आर द डेज जहाँ पे सिर्फ सीसीडी की मशीन चलती थी, आज के डेट में इतने सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो गए जो आपको फार बेटर क्वालिटी कॉफ़ी आपको प्रोवाइड करते हैं। सो टू केटर दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ़ी मशीन्स, अगेन ऑल ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट, सम ऑफ देम आर आर ओन मैन्युफैक्चर्ड मशीन्स, जो ऑटोमेटिक मशीन्स है, कम्प्लीटली फुली ऑटोमेटिक एंड वेरी कन्वीनियंट, जहाँ पे आपको ज़्यादा हैसल में नहीं पड़ना है, सिर्फ कॉफ़ी बीन्स डालना है, दूध डालना है और पानी डालना है, यू टच द बटन, प्रेस द बटन एंड यू गेट योर कॉफ़ी एंड यू गेट एब्सोल्युटली एज पर इटालियन स्टैंडर्ड कॉफ़ी, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हैसल के साथ नहीं जाना होता है। सो दिस आर द रेंजेस, ये हमारे खुद के मैन्युफैक्चर मशीन्स हैं, राइट, दिस इज़ वन ऑफ द अगेन ऑटोमेटिक कॉफ़ी मशीन्स, ये है इसी का ही एक अपग्रेडेड वर्जन, ये है जैसे आप देखेंगे कि कैपेचिनो आपको वन टच में ही आपका पूरा कैपेचिनो इसमें एक्सट्रैक्शन हो रहा है। तो सारे पैरामीटर्स इसमें सेटअप रहते हैं, आप एक बार सारे पैरामीटर्स इसमें सब कुछ पैरामीटर्स सेट रहते हैं, या तो हमारे इंजीनियर्स होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं पूरा पैरामीटर सेट करने पे। एक बार वो सेट हो गया तो इसके बाद आपको कोई ऐसे हैसल में नहीं जाना है, बहुत कन्वीनियंट मशीन है, आप इजीली इसको बटन आप प्रेस करते हैं आपका कॉफ़ी ब्रू हो जाता है। ये इसी के फिर आपके रेंजेस आ जाते हैं, ये जर्मन बेस्ड मशीन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये एक नेक्टा के लिया है, ये काफ़ी सारे बड़े कॉर्पोरेट्स में वी वर्क्स वगैरह में भी लगे हुए हैं जो कि को वर्किंग स्पेसेज है, तो वहाँ पर भी ये मशीन सारे आप यूज़ कर सकते हैं इन ऑफिस स्पेसेस। मैं आपको और एक दो मशीन्स दिखा देता हूँ, ये और एक ब्रांड है मेलिडा, ठीक है, ये भी जर्मन बेस्ड ब्रांड है और काफ़ी कन्वीनियंट मशीन है, मतलब आपको ये इजीली एक दिन में आपको 500 से 600 कप आपको दे देगा, तो अगर आपके बड़े ऑफिस है या बड़े को वर्किंग स्पेस है तो आप वो भी वहाँ पे भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और आपको एब्सोल्युटली एज पर इटालियन स्टैंडर्ड आपको ये भी कॉफ़ी देगा। आप आए तो एक बार देख सकते हैं, इसका क्लोजअप शॉट ले सकते हैं कि ये सारे जो है आपके
ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कैपेचिनो हो गए, कैफे लाते हो गए, एस्प्रेसो अमेरिकानो, तो ये सब तरीके की कॉफ़ी आप इसमें, मैं एक आपको बस इसमें कॉफ़ी ब्रू करके दिखा देता हूँ कि कितना कन्वीनियंट होता है ये। तो आपने आप देखेंगे जैसे मैंने एक बटन प्रेस किया, ये कैपेचिनो है और ये कैपेचिनो एक्सट्रैक्शन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। आपको कुछ आपको इसमें कुछ भी बटन ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस हाँ ठीक है, बटन सॉल्यूशन, वन टच, मतलब वन टच सॉल्यूशन, दिस इज इट। नाउ टू सम अप एवरीथिंग, नॉट टू सम अप एवरीथिंग, ये हमारे जो भी थे सारे हमारे कमर्शियल ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक सेगमेंट के लिए, ऑफिस से लेके कैफे से लेके स्पेशलिटी कैफे के, मैंने आपको ये सारे सेटअप दिखाए। और अभी जो आज के डेट में और ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा चला है वो है होम ब्रूअर्स, मतलब जो आप घर में कॉफ़ी बनाना पसंद करते हैं, तो वो ये हमारे एक सेक्शन है। जैसे अगर आप कैफ़े में नहीं जाना चाहते, या आप चाहते हैं आप कॉफ़ी में पैशनेट हैं कि जैसे आप घर में भी कॉफ़ी बनाना चाहते हैं, एक्सप्रेसो कैपेचिनो लाते, तो ये हमारे जैसे रेंज अवेलेबल है जो आपके घर के, जैसे ब्लैक कॉफ़ी के लिए ये है, ये एस्प्रेसो के लिए है, ठीक है, यहाँ से आप एस्प्रेसो अपने लिए ब्रू कर सकते हैं, लाते बना सकते हैं घर पर बैठे। ये आपका जो है मैनुअल ब्रूइंग ब्लैक कॉफ़ी पोर ओवर सेट के लिए आप ये मशीन सारे यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी कैटेगरीज है और हर तरीके के सॉल्यूशंस हमारे पास है, पूरा वाइड रेंज है कॉफ़ी मशीन्स मतलब हर चीज़ से, कैफे से लेके होटल से लेके रेस्टोरेंट से लेके ऑफिस से लेके को वर्किंग स्पेस, होम घर के लिए सब अवेलेबल है। सो इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर कॉफ़ी, चाहे वो कॉफ़ी रोस्टिंग जैसा मैंने आपको दिखाया, तो आपको पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन मिलेगा। नॉट ओनली कॉफ़ी मशीन, जैसे मैंने बताया आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी यहाँ पे कि कॉफ़ी कैसे बनाना है, कैसे चूज़ करना है, कौन सी राइट कॉफ़ी बीन्स है, क्या है, वो सब आपको वन स्टॉप ए अंडर वन रूफ विल गेट एवरीथिंग। एंड कॉन्टैक्ट करने के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आप बिल्कुल हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला जैसे हमारी ईमेल आईडी है info@kaafisolutions.com और marketing@kaafisolutions.com और नंबर बता दूँ 9711-09826, अगर आप चाहें तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड विल गेट दी फुल फ्लेजेड सोल्यूशन अबाउट कॉफ़ी। चलिए थैंक यू सर, और काफ़ी अच्छे तरीके से आपने बताया, और जो भी दर्शक है और जो भी इस कैटेगरीज में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं डायरेक्टली, आपकी पूरी कंसल्टेंसी यहाँ पर हो जाएगी और हर एक टाइप की जो भी मशीनरीज की ज़रूरत है या जो ट्रेनिंग की ज़रूरत है हर प्रकार की यहाँ से हेल्प कर दी जाएगी। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करना और साथ ही कमेंट करके हमें ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, और भैया ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया, तो इनके बारे में दो चार शब्द लिख ही सकते हैं। थैंक यू सर।